एक ख्वाहिश पैदा हुई इस ख्वाहिश ने हार की पाती पाती और अर्ज की थी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साड़ियाँ तो उम्र बड़िया थोड़िया थोड़िया और साढ़े बाकी मामलात भी इतने ने, मसायल इतने ने, दुनियावी जिंदगी भी तंग आ रहे ना, अल्लाह ने मना नहीं फरमाया था, लेकिन फरमाया दुनियावी जिंदगी के अंदर भी अगर तुसी मेरे हुक्म के मुताबिक मेरे मामूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नत के मुताबिक दुनियावी मामलात को भी चलाओगे ना, ताकि दुनियावी मामलात भी तुम्हारी इबादत के अंदर ही शुमार हो। लेकिन अल्लाह का अमर और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक आपका तरीका मुबारक, अगर ये इन्होंने मामलात के अंदर भी शामिल हो सी तो फिर ये साढ़े ये मामलात भी अल्लाह की इबादत के अंदर शुमार तो मार। जो सामने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साड़ी उम्र बड़ी थोड़ी है, थोड़ी मामलात बड़े ने, काश साड़ी उम्र भी ज्यादा होती, काश साडे भी मामलात इतने ज्यादा ना होते, बड़े दुनियावी सिलसिले इतने बोझ ना होते, असी भी इसे तरह मुसलसल जहाद के अंदर वक्त गुजारी है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजे इरशाद नहीं फरमाया जवाब दे अंदर जिब्राइल फौरन आ गए और अल्लाह का कुरान लेके आए वहा यंतिकु अनिल हवा इन होगा इल्ला वही यो फारूफा, जिब्राइल अंदर नहीं होते जब तक अल्लाह ना भेज जाते, जिब्राइल ने अर्ज की थी सूरह कदर नाजिल हुई इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक पहला कि निस्बत अल्लाह ने अपने कुरान दे फइन्नहु कलामुल्लाह तबर्रक बिल कुरान फइन्नहु कलामुल्लाह, इन बरकत हासिल करो ये तुहाडे रब दा कलाम है। अल्लाह करीम ने पहली निस्बत कुरान पाक के नाम पिछले जो मैंने भी अर्ज की थी कि निस्बत का भी अल्लाह के हाँ बड़ा मकाम है, किस दिन निस्बत कुरान पाक के ना हुई अल्लाह ने उसको ही इस दाम बुलंदियां की मत बे मकाम अता फरमाया। तो लैलतुल कदर की पहली निस्बत अल्लाह दे कुरान दे ना है, अल्लाह दे कलाम दे ना है और अल्लाह ने खुद फैसला फरमाया कि इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल क़द्र, यो रात है जिस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना कुरान अपना कलाम नाज़िल फरमाया, लौह महफूज़ को आसमान से दुनिया तक कवायद अंदर कि इकट्ठा नाज़िल होया आसमान से दुनिया तक, लौह महफूज़ को आसमान दुनिया तक इकट्ठा नाजिल होया, फिर अगला आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के महबूब की खिदमत के अंदर जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आते रहे और कुरान पाक वक्तन फवक्तन वक्त के तकाजे के मुताबिक अल्लाह का कलाम नाजिल होता रहा। और एक रवायत के अंदर कि इस रात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम पाक की पहली वही नाज़िल फरमाई, लैलतुल कद्र ऐसी बाबरकत रात के जिसकी निस्बत अल्लाह की किताब नाल हो। फिर फरमाया लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ओ ख्वाहिश का इजहार किया प्यार साड़ी उम्र भी इतनी हो गया कि जरा मुसलसल 80 साल जिहाद के अंदर वक्त गुजार गए, काश साड़ी भी उम्र इतनी होती
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमात के अंदर इनाम फरमाया मेरे महबूब तेरे उम्मती वास्ते ये इनाम कि अगर उसने शब्बे कदर लैलतुल कदर दी एक रात भी पा लिया तो ये रात उसके वास्ते हजार महीने नारों भी बेहतर बेहतर मिन अल्फ शहर खैर मिन अल्फ शहर हजार महीने नारों बेहतर बेहतर कितनी बेहतर बेहतर इतना बेहतर मैं दस सकता ना तुसी दस सकते हो ना कोई होर दस सकता है ये दसण वाली जात ओ खुदे और ओ ही जानती है कि बेहतर कितनी है जिसनु अल्लाह खुद बेहतर कहना खुद और ये तो कितनी बेहतर हो सी और फिर फरमाया मैं अल्फ शान हजार महीने ना वो जड़ी ख्वाहिश का इजहार होया ख्वाहिश सादी उम्र भी इतनी हो गई अल्लाह ने हजार महीने ना बेहतर फरमा के इशार फरमा दिता मेरे महबूब के उम्र का क्यों बड़ा इशार होता है कि तेरे वास्ते एक रात भी 83 साल तो जाए दस है हजार महीना अगर इंसान दल जो तो 83 साल तो भी जायद रुपये पड़ता है जायद अरसा पड़ता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनाम अल्लाह फरमाया कि मेरे महबूब की उम्मत ने ख्वाहिश का इजहार किया काश इतनी उम्र साढ़े भी होती अल्लाह फरमाते तेरे वास्ते एक रात ही 83 साल तो जायद अरसा रख लिया खैर मिन अल्फ शहर तनज्जल अल मलाइका और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को तराश करने की खातिर जब अल्लाह करीम ने ऐलान फरमाया तो आपने इंतकाम फरमाया पहले आश्रय फिर आपने दूसरे आश्रय का इंतकाम फरमाया पहले आश्रय च भी ना मिली दूसरे आश्रय च भी लेकिन जब तीसरा आश्रा शुरू होया तो मेरे आकर इस्लाम ने फिर इंतकाम फरमाया और तीसरे आश्रय की ताक रात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको मख्फी रखे हालांकि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाजे हो गए अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया मेरे महबूब ऐ ताक रात ये लैलतुल कदर की रात मेरे आकर इस्लाम तशरीफ ले आए इसे खुशी दे के जहार दे हाथ कर हाथ कर जब आप मस्जिद के दरवाजे के करीब पहुंचे तब दो बंदे जिन्हें के दरमियान झगड़ा हो रहा आप उस झगड़े के अंदर ठहरे और उस झगड़े को सुने फिर उसका फैसला फरमाया और फिर आपका चेहरा गुस्से नाल सुर्ख हो गया और आप वापस तशरीफ ले गए और जब मुबारक दे और फिर आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने वाज़ह फरमा दिया मेरे महबूब फलां रात लैलतुल कदर की रात है लेकिन जब मैं इस खुशी का इजहार करने की खातिर अपने गुलामों के अंदर आन का इरादा फरमाया है रस्ते च दो बंदे जिन्हों के दरमियान झगड़ा चल रहा है और उस झगड़े को सुन के खत्म करते हैं तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको उठा लिया जड़े अल्लाह ने वाजे फरमाई है लकड़ी में फरमा मेरे बाबू इस मक्ति रखो इधर अंदर भी हिम्मत है कि अगर किसी को पता चल जाए कि फलां रात ही लैलतुल कदर है तो वो तो इसी इंतजार च ही रहेगा ना कि फलां रात ही लैलतुल कदर है लिहाजा उसे रात रब को मना ले सा उसे रात ही इबादत कर ले सा बाकी चार रात उन्हें तो मालूम नहीं है इसी वजह तो हिम्मत इसके अंदर यह आई कि अल्लाह करीम फरमाते हैं मेरे बाबू में सब मक्फी रात करे और ताक रात के अंदर जड़ा भी तलाश करेगा अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के महबूब ने भी इरशाद फरमाया कि वो ये रात पा लेगा और लाजमी नहीं कि इस रात को पाने वास्ते ओदे ते कुछ वाजिया असरात हो फरमाया की जरूरत है अगर इस ताक रात के अंदर कुछ वक्त वास्ते कुछ लम्हात वास्ते कुरान पाक की तिलावत कर ले अल्लाह के महबूब के दरूद सलाम भेज ले जिक्र अज़कार कर ले नवाफिल अदा कर ले
कुछ हिस्सा भी मुयसर आ गया, अल्लाह उसको भी ये सआदत नसीब फरमा, अल्लाह उसको भी मालूम। लेकिन खुशकिस्मत वो है जरा सारी रात जाके गुजार के रहा। लेकिन एक चीज का खास ख्याल कि सारी रात नफली इबादत के अंदर ताज रात की आराश की नियत के नाते अगर जाके गुजार गया और सुबह फर्ज नमाज जमात न पढ़ सकिया तो फरमाया उदा फिर के रात का जागना भी किसे काम के इशा दी जमात दे ना अदा करके अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इशा दे पास जरा शख्स सो गया जिसने इशा दी जमात दे ना नमाज अदा की थी फिर सो गया अल्लाह करीम फरिश्ते नु हुक्म फरमा दे अद्धी रात दी के बाद दा अजर दे अमल नाल विच लिख दे तो सुबह दी नमाज उठ के जमात दे ना अदा कर ली फरमाया ए को सो के बाद गुजार गया लेकिन एदी सारी रात दा अजर एदे अमल नाल जिसने इस रात को अपना लिया पा लिया कायम कर लिया अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी सात का खताना माफ फरमाता है। इस रात की तलाश का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की उम्मत को जरा जरिया अता फरमाया वो है इंतकाम। और इंतकाम तीन किस्म का सिमा है, एक नफली इंतकाम है, एक वाजिब इंतकाम है, एक सुन्नत इंतकाम है। नफली इंतकाम जो मस्जिद के अंदर दाखिल हो तो इस नीयत के नाल दाखिल हो गई है या लचड़ी घड़ी जड़े लम्हा मैं तेरे घर के अंदर गुजार सा वो एतकाम की नीयत के नाल गुजार सा सिवाए तेरे कलाम दे तेरे जिक्र अज़कार दे तेरे महबूब के दरूद और सलाम दे मैं किसी नाल कोई दुनियावी गल न कर सा जड़े लम्हा तो मस्जिद के अंदर गुजार के चला गया अल्लाह उस नो एतकाम का अजर अता फरमा। लेकिन अफसोस असि और भी चल रहे जड़ी सारा दिन सानू याद ना आई सानू मस्जिद के अंदर आके बजाय असि इंतजार करिए जमात के जिक्र अज़कार में मसरूफ रहिए लेकिन असि बजाय खामोश रहने के दुनिया को भी उलझा के रख दे कोई जिक्र कर रहे है कोई सुन्नत अदा कर रहे है कोई नफली इबादत कर रहे है कोई अल्लाह अल्लाह कर रहे है लेकिन असी ओदी उस अमल के अंदर जिसके अंदर वो मसरूफ है असी खलत बना दा जरिया ते सबब बन जाते हैं कदे और की तो ये तब तक हुक्म है अगर कोई नमाज पढ़ रहे है ओदे करीब कुरान पाक की आवाज बुलंद ना तिलावत भी ना की जाएगी उस बहुत करिए। लेकिन अफसोस अभी पता कि जा रहे हैं तो फरमाया नकली है तब जो ही मस्जिद अंदर दाखिल होया और इसने इरादा और नियत कर ली अल्लाह जड़े दम हाथ को जा सा मैं तेरी नजान वास्ते तेरे जिक्र में मसलों पर आसन पर अल्लाह उस समय का काम दा मजा पता फरमा दे। और दूसरा सुन्नत ए तकाम यह है रमजान और मुबारक का आखिरी आशरा यह है सुन्नत ए तकाम इन्हें वास्ते रोजा भी लाजम लाजम और मस्जिद अंदर क्याम भी लाजम लाजम नौ दिन ने यार दस दिन लेकिन सभी ख्वाहिश नौ दिन भी होती है जवान ईद हो गई ईद बुढ़ी भावे असी अस्सी साल तक जो आ पढ़ जाए लेकिन यह सू जवान ही चाहिए अफसोस फिर इतकाम के आदाब का भी ख्याल पहले दिन आया तो बड़ा मुंह
ਕੁਛ ਛੁਪਾ ਕੇ ਗੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਹੌਲੀ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡ ਉੱਤੇ ਰੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਾਧਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੇ ਵਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟੋਪੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਲਾ ਲਲਾ ਤੇ ਲਲਾ ਲਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ। دنیاوی معاملات اللہ دی رضا واسطے اللہ نو منانے واسطے ہوئے۔ جدو بندہ کسی دے دروازے تے میرا لا کے بہر ہوندا ہے مقصد کی ہوتا ہے کہ جدو تک یہ خیر نہ پسی راضی نہ ہو سی میں دلی توڑی لینا، اسی اسی ارادے نال آئے نا، اسی ارادے نال ہی بھائی ہے کہ اسی انہوں منانا ہے، وہ ذات راضی ہو سی ساری خالی جوڑیاں بھری سن، اور امید لے کے جڑا بہت آتا ہے اللہ کدی انہوں خالی نہیں لوڑا دے، چلو ضرور نماز دے گزریا۔ ایک دفعہ اس کی خدمت ایک شخص حاضر ہویا، وہ مچھلی کا شکار کرتا، مچھلیاں پکڑ کے لیاتا، اور جو جڑا وڈیرا چنگا پیس ہوتا وہ کسی وڈیرے سردار کی خدمت تحفہ لے گئے کہ چلو یہ خوش ہو کے بجائے دی قیمت دے کوئی اضافی انعام بھی۔ تو وہ بادشاہ کی خدمت جو وقت دے حاکم دے وقت دے خلیفہ دے خدمت جا جو شکدیہ تھوڑے واسطے تحفہ لے کے آنا۔ بادشاہ نے خوشی دے اندر فرما دیتا اپنے مشیر کو، اپنے وزیر کو، کس نو ہزار دینار انعام وچ دے دیتا جائے، وہ بڑا خوش ہویا، کام بڑا گیا۔ وہ گنا ہوا کہ وہ دو دینار دی ہو سی، چار دینار دی ہو سی، خوشی جان کے ہزار دینار دی بادشاہ جو ہاں انہاں تھوڑا ہی پکاری چاہ کے بنایا ہوتا ہے، تیرا میرا وہ نہیں ہوتا ہے۔ خیر خیر مشورہ دیتا ہو سکے گل چنگی نہیں ہے، یہ ہزار دینار واپس لے لو، کل یہ تو مچھلی لے کے آیا، کل وہ کوئی وڈیرا کارنامہ کر کے اسے اس شخص نے مینوں کوئی انعام دیو کہ تسی ہزار کرو نہ دیتا یا کچھ کم دیتے، تو سکنا جڑا مچھلی پیش کر کے ہزار لے سکتا ہے تو میرے چوں دے چ فرق ہی کوئی نہیں۔ بل پڑھایا نا، بڑے بڑے بل پڑھا لے گیا، اللہ انہاں نو صحیح بل پڑھان دی توفیق دے دے۔ مچھلی اگر یہ آخ تیری مہربانی مادا چاہیے، آخ مادا تھی لے جا یار تیری مہربانی میرے نر چاہیے، میں ناراض نہ ہوا یہ بادشاہ خوش ہو گیا، بڑا پختہ جواب کرے اس نے کہ ہزار دینار اور دے دو، ہوں 2000 ہو گیا، وہ اگے تو ایک ہزار نہ ہی برداشت نہیں کر سکتی، ہزار کی تھیلی مڑ مل گئی، اس نے گڑی کرنے چلی کوئی کام تو خراب ہوا ہو، 2000 کی تھیلیاں لے کے خوشی خوشی جا رہے ہیں، جی میں کھلتا جاتا ویلا جاتا ہے، ایک دینار کے روپے ہوں اس ملکہ کی نظر اسے آئی کہ کوئی اور پوائنٹ لبے، تو وہ جی میں خوشی نال تھیلیاں کھول کے ویلا جاتا نا، کوئی ایک دینار ڈگ پیا، اس اگے ہوں بلا لو
बादशाह सलामत नाराज ना हो जरा एक डिगा ना नाम नसब आ मैं सोचा किसी ने पैर के थले आ गया तो थोड़ी भी अदबी हो सकी बादशाह ने खुशी के अंदर आके एक हजार की थैली होर दिलवा दी हजार हटी हटी त्रै हजार दिनार यह है दुनिया के बादशाह जब नवाजा ते आवे ते आवे ते आवे लहर बन जा मेरा सी गल तो नहीं आया मेरा सिया कभी आते हो कभी मैं हाजिर हो जाएगा वो लहर ही मजा अच्छी गल लकड़ी प्रमादन मेरे बाबू गाऊ की साजिश का इजहार करे कि काश मेरी उम्र 80 साल होती अल्लाह प्रमादन तेरे मैं एक रात उसी अदा कर दी कि 83 साल तो रात की बरकत मोहम्मद इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह तआला ताबईन चुके आपकी हमशीरा हजरत हफसा इब्ने सीरीन ऐसी शख्सियात मौजूद है तो सहाबा की मकाम सहाबियात की मकाम होना है फिर अहले बैत की मकाम होना है फिर अज़वाज मुतहरात की मकाम जो इब्ने सीरीन हजरत हफ्सा आपने अपने घर के अंदर एक मस्जिद बनवाई हुई है जिसके अंदर आप इबादत भी कर दिया नमाज भी पढ़ती हैं जिक्र अज़कार भी कर दिया फिर उसे मस्जिद के अंदर बच्चियां बच्चिया और औरतों को कुरान पाक की तालीम भी दे दी और आपने उस मस्जिद के अंदर कितना वक्त गुजारे और इंतकाफ की नीयत के ना गुजारे कितना वक्त गुजरे 35 साल मस्जिद के अंदर गुजरे सिवाय किसी हाजत के आप मस्जिद जो बाहर कदे तशरीफ नहीं ले गए और आपका माहौल किया इशा की नमाज तो दो रकम नमाज खड़े होना और अल्लाह की किताब की तिलावत करद्यार की आलाम शुरू हो जाने और दो रकम मुकम्मल नहीं होती खिदमत कर पर जो भी वेली शनि ने मार पड़ के दो नफर शुरू हो जाते रोंदियां तो वेली वेली सो जाती है अख खुलती है तो रोंदियां ही भी खेद अल्लाह जाने कि उन्होंने को गलती हुई हुई है जी माफी नहीं मिल रही और उन्होंने 5 साल हो गए मैं रोते हैं कि मेरे घर जिन पूरा इतनी समझ की मालिक ना कि क्यों रो रही अल्लाह की मोहब्बत के अंदर अल्लाह के इश्क के अंदर रो रही 35 साल लेकिन अफसोस साढ़े को गुजारना सबू पान नजर आ बहुत
बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल है। इतना बड़ा अमल कि अगर सीएसए अजर को समझने लग गए तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि 10 100 200। तो सुन्नत के तहत 10 से 10 और आखिरी अशरा रमजान मुबारक दरवाजे और वाजिब इत्काम वो है कि बंदा किसी मुश्किल के वक्त अगर मदद मन लगता है कि अगर मेरा यह काम पूरा हो गया तो मैं हंसता 10 से 15 जितना भी मने मैं वो अल्लाह के घर का इंतकाम कर सका। यह है वाजिब इंतकाम और अदा करना फिर लाजम हो गया और इस इंतकाम के अंदर भी रोजा भी है और अल्लाह के घर का इंतकाम भी है। और इस इंतकाम का अजर कितना एक रात अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादे पाक जिसने अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह के घर का एक रात का इंतकाम किया। अल्लाह उस रात के बदले उस बंदे और जानना दे कल मैदान हशर के तराए खंदकां का अल्लाह फैसला फरमा दे जमीन और आसमान के दरमियान जितना खला है एक खंदक का फैसला फैसले अल्लाह तीन गुना इसको करके उस बंदे को जहन्नम से दूर फरमा दे। कितना बड़ा एक दिन का इंतकाम एक दिन का जिसने 10 दिन का इंतकाम अल्लाह की रजा की खातर किया अल्लाह उसको कितना बड़ा जानता है। फिर यह है इंतकाम और इसके नाल क्योंकि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कैसा अमल क्या ऐसा अमल मोहम्मद हसन जरा सारिया इबादतों भी अफसल फिर आपने फरमाया क्या तो इलम है अर्जी जी का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु नमाज फरमाया बहुत अच्छा अमल है लेकिन जो मैं पूछे वो फिर अर्जी थी यार रसूल अल्लाह रोजा रोजा आपने फरमाया बहुत बड़ा अमल है लेकिन वो नहीं जरा मैं पूछे फिर वाकई बहुत बढ़िया इबादत है लेकिन इन इबादत नालों भी अफजल इबादत है किसे मोमिन के नाल उसने सलूक करना किसे मोमिन के नाल अच्छा बर्ताव करना इन्हों इबादत नालों भी अफजल इबादत है। ये नहीं कि इन इबादत की नफी हुई पर मैं अजर उसका इन्हों नालों भी अफजल है और अल्लाह खुद फैसला फरमाया अफसोस अनसी की गल नहीं हर एक का हाथ दूसरे के गल में बर्दाश्त नहीं हुई अल्लाह खुद फैसला फरमाया मेरे बंदे ये दफा मिल्लती या अमसन फैजल लती बैना का वा बैना हु अदावा कहना हु वली जो हमीद हमीद मेरे बंदे तू बुराई को दूर कर अच्छाई दे ला फिर देख मैं तेरा दुश्मन को भी तेरा दोस्त बना दे और लकड़ी में दो असू दसन फरमाए मला तो सैर हद तक लिनास वकूलु लिनास हुस्ना हुस्ना पहला इरशाद फरमाया कि जब वो किसी के नाल भी मुलाकात करें तो खुले मन से
ਕਸ਼ਾਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣ ਸਿਆਣ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਚੰਗੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਚੋਣ ਮਲੂਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਲ ਮਲੂਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੇ ਸਿਆਣ ਨੇ ਅਗਲਾ ਜਾਣੇ ਅਗਰ ਜੀ ਬਣ ਸੀਗਾ ਸਾਰ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਨਜ਼ਰ ਉੱਤੇ ਤਰਫੇ آپ تشریف فرما اور انتقام دنیا کر کے مسجد داخل ہوئے اور ایک شخص آیا اس نے عرض کی تھی کہ حضرت میرا اے معاملہ ہے اس پریشانی کے اندر اگر تسی میرے نال چلے جاؤ نا تو میرا اے مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور میری پریشانی کم ہو جائے گی آپ اٹھے دعا منگی اور ان کے نال چل گئے جب آپ چلے گئے اور اس کی جڑی پریشانی آئی جڑا معاملہ تھا جڑا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا آپ دیکھ کام کے نام آپ واپس تشریف لے رہے ہیں اور ایک شخص کے نام ملاقات ہوئی اس نے کہا جی جب مسجد داخل ہوئے ہو تو انتقام کی نیت نہ ہوئے اور انتقام توڑ کے باہر آ گئے آپ نے فرمایا روزہ اطہر اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد پاک ہے جس نے کسی مومن دی جائز حاجت کے اندر اس کا تعاون کیتا او دا معاون بنیا او دا سبب اور ذریعہ بنیا اللہ اس نو 10 سال دی اعتکاف دا اجر عطا فرمایا کتنا 10 سال دی اعتکاف دا ایک عمل دے بدلے ایک رات دا اعتکاف 10 سال دے اعتکاف مسلسل 3600 دن جی ایک دن دا 3 خندقہ دا جہنم دے بندے دے درمیان فیصلہ ہو سکدا ہے جس نے اس عمل دے ذریعے 10 سال دے اعتکاف دا اجر پایا اللہ اس نو جہنم تو کتنا دور فرما دے اعتکاف بہت بڑا عمل ہے اللہ سانو یہ دے سمجھن دی اور اے دے آداب دی بھی توفیق نصیب فرمائے اور اے بہت قیمتی لمحات ہیں ان لمحات دے اندر اپنے رب کو منائیے اپنے رب کو راضی کریے اگر اللہ اللہ دے رسول راضی ہو گئے تو اے جہاں بھی صبر کیا اگلا بھی صبر کیا اور اے ہی اعمال جنہاں نوں اسی چھوڑ بیٹھے تو اسی اللہ کو منائیے توبہ کریے اللہ کریم خود فرماتے توبو اللہ جامعہ ایوہ المؤمنون توبو اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد بعد اتائیو من الزمب کم اللہ زمبا توبہ کرانا اللہ دے ہاں انجو دے جنہوں اس کوئی گناہ کی نہیں جو میں ادھر کوئی غلطی ہوئی نہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف لے جا رہے ہیں ایک مقام تو گزر ہویا تھا بہت بڑا مجمع آپ گزرے تو آپ نے پوچھا بھی ہو وہ اتنا بڑا مجمع لوگ اکٹھے نہیں اتنے کی ہو رہے ہیں پتہ کریے چلو پتہ کیتا تھا پتہ چلیا بھی اتنے کوئی گویاں گا رہے ہوتا ہے نا کئیوں کی آواز ایسی اللہ کی عطا ہوتی کہ مجمع لوگ مان لیں گے اتنا ملی کے نہیں گویاں گا رہے ہیں اتنا رشی اور لوگ مست ہو کے سن رہے ہیں آپ اتنے ہشری پر آوے جو ہی آپ پہنچے نا تو آپ کی نظر اتنے چہرے پہ پڑی تو آپ نے آسمان والے نظر اٹھائی یا اللہ تینوں کیڑی پیاری آواز دیتی ہے کاش اس آواز دے ناتے تیری کتاب دی تلاوت کرتا وہ تو گا رہا آپ نے اللہ کی بارگاہ سے سوال کیا یا اللہ کاش اتنی پیاری تیری عطا کرتا آواز دینا تیری کتاب کی تلاوت کرتا
ਜਿੱਥੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੋਏ ਮਾਂ ਹੋਏ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਾਇਆ ਜਾਇਆ ਚੁੱਪ ਇੱਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਚੰਦ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਉਸ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਪੜਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਉਹ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਟੇਜ ਛੋੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪਦੀ ਖਿਮਾਤ ਦੇ ਚਰਨ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਕੌਣ ਨਿਗਾਹੇ ਵਲੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਸੀਰ ਦੇਖੀ ਬਦਲਤੀ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਤਕਦੀਰ ਦੇਖੀ ਵਲੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਗਾਹ ਕਰਦੇ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੇ ਲਿਖੀ ਲਓ ਮਹਫੂਜ਼ ਵਾਲੀ ਤਹਰੀਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਇਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕਤਾਰ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਰੋਇਆ ਉਸਦੇ ਰੋਣੇ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੇ ਹੰਸੂ ਚੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਤਾਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਪਾਕ ਦੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਸੰਭਲਾ ਇਸ ਤੌਬਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਆਪ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੌਬਾ ਇੰਜ ਦੀ ਤੌਬਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਬਣੀ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਬਾਰੇ ਤੌਬਾ ਕਬੂਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਮੂਬ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਬਣੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਮਜਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ ਤੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਜਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਰਾਂ ਰਾਣ ਹੈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਉਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਕਸਰ ਤੇ ਉਹ ਢਿਲ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵਿਕਸੀ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਚ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੱਖ ਰੱਖ ਲਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੇਰੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅੱਲਾਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੱਖ ਰੱਖ ਯਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਬਰੇ ਮਜਮੇ ਚੁਪਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਲਤ ਤੇ ਰਸਵਾਈ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਰਸਵਾ ਨਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਚਕਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੱਖ ਰੱਖ ਲੈ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਮਕਾਮ ਤੇ ਖੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸਾ ਕਲੀਮ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਮਜਮੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੌਬਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕਲੀਮ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਓ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਓ
अल्लाह रब ने उसे दिमाग का भी सवाल गाना सुना होगा, इतनी जल्दी सुना 80 साल की बलादत के दुश्मन जल्दी आ रही है, चंद लम्हे से सुना होगा। अल्लाह करीम ने फरमाया हाँ मेरे करीम सुना होगा। या लो कौन है अल्लाह, वो कौन है जिसने ना सुना इतनी जल्दी हो गई, इतनी पुरानी दुश्मनी एक मिनट च सुना हो गई, अल्लाह वो कौन है। अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे करीम जब मेरा दुश्मन था मैं उदो राज फाज ना किया, अज तो मेरा यार बन गया, अज तो मेरा अज मैं उनका राज किवें फाश करा। वो बनी इसराइली दी तौबा इतनी जल्दी कबूल हो सकती है, असी अलहमदुलिल्लाह ओदे महबूब दे मुतिया हुंदिया। अगर असी नियत करिए इरादा करिए तां सानू यकीन है, उम्मीद नहीं यकीन है अल्लाह साडी तौबा नूं फौरन कबूल करवा देगा। फारूक आजम अमीर उल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप एक बहार च गुजर रहे हैं, उसे बहार च एक शख्स आ गया जिसके हाथ के अंदर शराब की बोतल है, शराब की बोतल है, उन्होंने शराब की बोतल ख्याल रखा है। जिस सीने के अंदर शराब उतरती हो कद ईमान महफूज इन्हें एक न्याम में जब तलवारा नहीं संभाल सकती, इन्हें एक सीने के अंदर ईमान से शराब भी नहीं संभाल सकती। जिमें जिमें शराब उतरती है उन्हें ईमान बाहर आ जाता है। खुद गौर करिए जड़े असी इस मरद के अंदर मुबतला है और ये साढ़े माहौल ने साडा की बनसी और साढ़े च कितना कि ईमान महफूज हो सी, कदे गौर कर और जड़ी बाबरकत रात आ रही है इस रात के अंदर चार शख्स ऐसे कि जड़े अल्लाह की रहमत तो महरूम रह जाता है, अल्लाह की जात शरीफ हैरान आला भी वह भी मारो, सीने के अंदर गोज रखने वाला गोल रखने वाला किसी के बारे कावड़ भरी हुई मौका लगे तो कटा फरमाया इन चौ बंद इस बाबर का रात के अंदर भी नफरत मारो मुमकिन है नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह फरमा दे मैं चाहना तो कोई लगा दे सुई दे सुना के चुप उठ अल्लाह फरमा दे लग सकता है मैं चाहना, लेकिन जन्नत के दरवाजे जो मुशरिक अगर ये चार बंदे इस रात की अल्लाह की रहमत को मारो मारो तो मारो क्या सब रजी अल्लाह तआला ने तशरीफ लिया है एक शख्स आ गया ओदे हाथ से जो बोतल का इशारा जो ही उस बाजार जो पड़ा है क्या ना उस फौरन अपनी चादर थल्ले कर ले, आप दी भी नजर बैठ गई समझ ओ भी गया भाई काम खराब होया होया दौड़ खाता ईमान दी कौरत है उदू थर थर कंबी जाता है उदू दिल ही दिल च यार जे अज कल रखे तो आएगा तौबा तौबा अज कख रखे अल्लाह अज भरम रह जावे तो मैं आएगा ये गलती न कर सा, चलो दिल च पक्का इरादा अल्लाह की जात ना कर लिया ना लिया अल्लाह फरमाने वो तू तो मेरे महबूब का तू नियत करे तो मैं तेरी कबूल ना करा।
जो ही इरादा किया और नियत की दी अल्लाह का रखी तो जबान जो हारम निकलया अमीर और मोमिन मैं इस शिरका से आता है की ले आता है बाजार च गया सो दुकान ते गया ते शिरका दी बोतल ले आना अपने फरमान वाला भी खा था तो जो ही बोतल कमदिया कटी ना बार नियत तो उदा ही आई ना यार कख रखी वो शराब की बोतल कच चो चादर चो जी छुपाई भी आई जो ही मार कटी तो वो सिरका बड़ी 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 अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं ओदो होनी अस्तगफ अल्लाह को मेरे बंदे तू सत्तर दे दे लेना मैं कदे जी कर दे जवाब दे दे देर अल्लाह अल्लाह ने और अल्लाह करीम ने अल्लाह अपने बंदे ते मेहरबान अल्लाह सोच ही नहीं सकता कि अपना रब ओदे ते कितना मेहरबान है तौबा करिए आखिरी लम्हात में अल्लाह रब्बुल इज्जत साडी इस तौबा नु अपनी बारगाह च कबूल भी फरमाए और इहदे ते सानू इस्तकाम दी तौफीक भी नसीब फरमाए पर ये तकाफ सुन्नत अमल है और बहुत बड़ा अमल है अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू इहदे ते अमल दी और इहदे इहतराम दी भी तौफीक नसीब फरमाए वा आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत अमल